नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग आपका भारत का इतिहास पूरा देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग विश्व का इतिहास भी पूरा देख चुके हैं। इससे संबंधित आपके जितने भी लेक्चर होंगे, क्लासें होंगी, वो सभी किरण सामान ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है। ठीक है, फिर आज हमें बात करनी है इस क्लास में भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। याद रखिए, अगर आप लोग इस बुक्स को कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोग वन डे एग्जाम तो कवर करेंगे, साथ में आप स्टेट पीसीएस भी कवर कर सकते हैं। जैसे आपका एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस हो गया, सिविल सर्विस यानी कि आईएएस के लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी। उसका कोई दूसरा विकल्प आपके सामने है भी नहीं, तो समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ भी लें तो अच्छा रहेगा। और हम लोगों के द्वारा भी आपकी कवर की गई है एनसीईआरटी पूरी कक्षा 6वीं से 12वीं तक की, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में पढ़ाई, तो याद रखिए आपको पूरी एनसीईआरटी एक कहानी का रूप देकर पढ़ना है। क्या करना है? कहानी का रूप देकर पढ़ना है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको रटना पड़े, जो आपको समझ में ना आए। बस आपको बस कहानी का रूप देकर एक दो बार पढ़िए और निकल जाइए, क्योंकि आपको बेस आपका बनाना है। यानी कि जिस तरह हम लोग मकान बनाते हैं तो उसकी नींव भरते हैं ना बेस बनाने के लिए, यानी कि अच्छी नींव भरेंगे तो अच्छा मकान बनेगा और अधिक समय के लिए खड़ा भी रहेगा। तो आपको वही करना है एनसीईआरटी पढ़ के। जो आप आज पढ़ रहे हैं एकरण सामान्य ज्ञान, ये आपकी वन डे एग्जाम पे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एसआई हो, या फिर शिक्षा शिक्षक की कोई भी भर्ती हो, उन सभी को कवर कर लेगा ये। इतना कह सकता हूँ सामान्य ज्ञान का इससे आगे क्वेश्चंस नहीं जाएगा, आपका आराम से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का आपका पूरा पढ़ा दिया गया है, 23-24 के करीब आपके मॉक टेस्ट लगा दिए गए और 15 के करीब आपके टेस्ट खत्म, लेक्चर मतलब क्लासें जो विस्तार से हम लोगों ने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को पढ़ा है। तो एक बार आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसे ज़रूर देख लें। उसमें जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हों उसे आप लोग देख लें, और ना हो तो छोड़ के निकल जाना। तो भारतीय कला एवं संस्कृति यानी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? भारत में संगीत की परंपरा देखेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में, भारत के प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे एक दृष्टि में, फिर उसके बाद हम लोग चित्रकला देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा मूर्तिकला, मूर्तिकला के बाद होगा भारत में हिंदुओं के प्रमुख जो त्यौहार हैं उन्हें भी देख लेंगे, भारत में प्रमुख एवं आदिम जातियां देख लेंगे, रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्म देख लेंगे, भारत में विश्व धरोहर स्मारक देख लेंगे, जो आपके विश्व धरोहर स्मारक हैं स्थान हैं उन्हें देख लेंगे। यानी कि आपका आर्ट कल्चर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर कर लेंगे इस क्लास में हम लोग। तो सबसे पहले हमारी क्लास क्या होगी? क्लास में सबसे पहले हमारा क्या देखेंगे हम लोग? भारत में संगीत की परंपरा, भारत में संगीत की परंपरा। नाद और लय के माध्यम से हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति ही आपका संगीत है। ये आपका सम प्लस गीत से बना हुआ है संगीत। तो नाद और लय के माध्यम से जब आप अपने हृदय से की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसी ही आप लोग संगीत कहते हैं। भारत में संगीत का प्रारंभिक उदाहरण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में और सामवेद में। किसमें? ऋग्वेद में और सामवेद में। सामवेद में आपके विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों का भी विवरण प्राप्त होता है। सामवेद को आप लोग संगीत का वेद भी कहते हैं। सामवेद में विभिन्न प्रकार के जो संगीत वाद्य यंत्र हैं उनका भी विवरण मिलता है। 500 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि ने अपनी कृति अष्टाध्यायी में संगीत के बारे में सर्वप्रथम उदाहरण दिया। एक तृक प्रातिशाख में सर्वप्रथम संगीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेगा? इस तरह से पूछ लेगा कि गीत या संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। या फिर पूछ सकता है कि सबसे पहले संगीत का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो आप बता सकते हैं ऋग्वेद और सामवेद में।
या पूछ सकता है कि आपका व्याकरण पढ़नी ने अपनी कृति कौन सी है, तो उनकी अष्टाध्यायी थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। और वैसे मुझे लगता है कि आपको अपना इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि पता है हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। वही तो है, हम तो अपने पत्थरों की भी पूजा किया करते थे, जानवरों को छोड़िए हम पत्थरों को भी पूजा करते थे। आज जानवरों की हालत देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है जानवरों के साथ। तो हमें अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी थी, क्योंकि माँ बाप को छोड़िए हम तो पत्थर जानवरों की भी पूजा करते थे। इससे अच्छा कुछ संस्कार हो सकता था, नहीं ना? ऐसी मानता है कि संगीत का प्रमाणा ललित कला, ताल, सुर अथवा लय एवं अंग के सम्मिश्रण से निर्मित हुआ है। संगीत कला के 7 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? साज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैधत, निषाद। संक्षेप में इन्हें आप लोग सारे गामा, पाधानी अथवा सप्तम कहा जाता है। यही आप लोग जो सारे गामा पाधानी चिल्लाते रहते हैं, यही आपके 7 स्वर। आधुनिक काल में संगीत का विभाजन 3 भागों में, कौन कौन से? शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोकगीत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत का विभाजन। इसका विभाजन 2 भागों में, हिंदुस्तान संगीत और फिर आपका कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तान संगीत का विभाजन आपका 7 भागों में है, कौन कौन से हैं? ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठोमरी, दादरा, टप्पा। यह आपके हिंदुस्तानी संगीत के विभाजन हैं। अगर कर्नाटक संगीत की बात करें तो ये 5 भागों में विभाजित है, पादम, जवाली, तिल्लाना, कीर्ति, श्लोकम। फिर आपका सुगम संगीत का विभाजन, ये आपका 6 भागों में, भजन, गत्ती, गजल, कव्वाली, डिस्को एवं पॉप संगीत। फिर आपका लोकगीत का विभाजन, ये आपका पंडवानी हो गया, बंबू लिया हो गया, ले जा गीत हो गया, ले जा, कौन सा? ले जा गीत। इसमें फिर आपका ददरिया गीत हो गया, रेलू गीत हो गया, चेत पर्व गीत हो गया, धनकुल गीत हो गया, हरदौल की मनोती। ये आपकी बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा इस प्रथा को माना जाता है। आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड में आप निवास करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कब कब जब भी शादी होती है तो सबसे पहला जो कार्ड होता है वो हरदौल के यहाँ भेजा जाता है। फिर आपका चौकड़िया भाग हो गया, आला लावनी, पम्बाड़ा, माच, संकीर्तन, खोंग जोम, परवा, चाकरी, भाका गीत, मांगडियारो गीत, पाड़ियानी, पंचवाद्यम, थायाम बाका, पुवाड़ा, गोधल गीत, फाग गीत, जो होली के टाइम आप लोग देखते हैं, चैता, नचारी, लगनी राग गीत, कजरी, चैती। कीर्तन और कीर्ति, कीर्तन और कीर्ति कर्नाटक शैली के 2 प्रमुख राग और लय हैं। गजल, दादरा और तराना ये हिंदुस्तानी शैली के राग हैं। कीर्तन और कीर्ति ये कर्नाटक शैली के प्रमुख राग और लय हैं। गजल, दादरा और तराना ये हिंदुस्तानी शैली के राग हैं। लोक संगीत में लय की प्रधानता होती है। लय को लोक संगीत का प्राण भी कहा जाता है। ब्रज प्रदेश में लोक संगीत के अंतर्गत सारंगी, बांसुरी, वीण का प्रयोग भी विशेष प्रचलन में। आपका ताल के संदर्भ में संगीत के लिए नक्कारा, ढप, ढोलक, मृदंग, खंजरी, तार का प्रयोग भी किया जाता है। एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्व बांसुरी का है। किसका? बांसुरी का। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता यह है कि यह कला शिवजी से ही देवी सरस्वती को प्राप्त हुई थी। सप्तांडव आप लोग सुनते रहते हैं। देवी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी को संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अमीर खुसरो को सितार सहस्त्रवाद का जनक माना जाता है। सितार का जनक किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को। जर्मन संगीतकार बिधोवन, ल्यूडरविंग, बॉन कान से बहरा होने के बावजूद
विश्व संगीत को सराहनीय योगदान दिया इन्होंने, यानी कि बहरे होने के बाद भी संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया इन्होंने। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। यही वह काल था जब तानसेन, बीजू बावरा और स्वामी हरदास जैसे ध्रुपद के महान गायक अभिभूत हुए थे, यानी कि इसी काल के आपके तानसेन, बीजू बावरा, स्वामी हरिदास हैं। ख्याल उत्तरी भारत में प्रचलित एक सामान्य कृति किंतु संगीत कला का सर्वोच्च स्तर था। ख्याल, ख्याल शब्द आपका फारसी भाषा से लिया गया है। कहाँ से? फारसी भाषा से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार अथवा कल्पना। ख्याल को कला की दुनिया में उच्चतम स्थान प्रदान करने का श्रेय 18वीं सदी में ख्याल के महान मर्मज्ञ नियाकत खान सादारंग एवं उनके भतीजे आदारंग की को दिया जाता है। भारत में ख्याल के चार प्रमुख केंद्र हैं जो घराना के नाम से जानते हैं। एक घराने आपके चर्चा में भी बनाए रहते हैं, जिसमें ग्वालियर घराना हो गया, आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, किराना घराना। बड़ा और छोटा ख्याल के समानांतर यहाँ दो प्रकार के राग हैं, विलंबित या मध्यम गति का राग है और दूसरा द्रुत या तीव्र गति का राग होता है। राग आपका कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित शंकर ने। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में। बताया आपको कि लॉकडाउन का सफल होने का कुछ हद तक जितना सफल हुआ है उसमें योगदान आपकी इन रेडियो वालों का भी अच्छा योगदान है। कम से कम आपके घर तक सब्जियां पहुंचा तो दी जाती हैं, वरना क्या करते हम लोग, घर से निकलना पड़ता और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती। इसमें अच्छा योगदान इन्होंने भी दिया है कि घर घर सब्जी पहुंचा रहे हैं, यानी कि आप गेट उतरिए, अपना गेट निकलिए और बाहर आपको सब्जी मिल जा रही है। तो चलिए, सबका योगदान है जितना सफल हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक आपका विफल ही हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं केसों में कोई कमी नहीं आ रही है, बराबर बढ़ते जा रहे हैं। सुसमृद्ध लय और संगीत के साथ अकेले अथवा अन्य सहयोगियों के साथ थिरकन को नृत्य कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य का देवता नटराज शिव को माना जाता है। किसे? नटराज शिव को, जिसने 108 विभिन्न तरह के नृत्य का आविष्कार किया है, जिनमें तांडव नृत्य प्रमुख है। आपका शिव तांडव आप लोग सुनते रहते हैं। प्राचीन काल में नृत्य की दो शैलियाँ थी, कौन कौन सी? तांडव, भगवान शिव द्वारा घोषित शक्ति युक्त मनुष्य योचित नृत्य था। लास, ये मृदुल शोभायुक्त स्त्री जाति का नृत्य था। तो याद रखने, प्राचीन काल में आपकी तांडव और लास दो शैलियाँ थी। लास नृत्य पार्वती से संबंधित है। इसमें ही परमान के शास्त्रीय सोलो नृत्य और भरतनाट्यम का उद्भव हुआ था। आपका भरतनाट्यम मध्यकाल में देवदासियां नृत्य के लिए रखी जाती थी, जिसने बाद में वेश्यावती के रूप में भी ले लिया था, रूप ले लिया था। अतः मध्यकाल में नृत्य प्रतिष्ठित परिवार के लिए अच्छा नहीं समझा जाता था, किंतु आधुनिक काल में सरकार के प्रोत्साहन एवं जनजागरण के कारण भारतीय नृत्य को देश विदेश में भी काफ़ी लोकप्रियता मिली हुई है। आपकी भारतीय नृत्य के तीन प्रकार हैं, शास्त्रीय, लोक और जनजातीय। चरिस एक गांव द्वारा एक सादृश थिरकन है। करनास दोनों पांव द्वारा एक पांव द्वारा एक सादृश थिरकन है। करनास आपका दोनों पांव द्वारा एक समान सादृश थिरकन है। थिरकन लय, लय आपका मुख्यतः तीन लय होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ये आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है इनसे क्वेश्चन। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यही पूछता है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली आपका केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है।
जो आपका कथक है ये आपका उत्तर भारत से संबंधित है, मणिपुर मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का नृत्य है। इन सभी को आप याद रख लीजिए क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते आए हैं। भरतनाट्यम नृत्य प्रमुखता एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है जिसमें श्रृंगार एवं भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है हमारी। सामान्य तौर पर इस नृत्य के कोई 7 भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला है अलारिप्पु वंदना, जाति स्वरम, सौ सम्मिश्रण, सप्तम, स्वर एवं गीत, वर्णम, शुद्ध नेत्र एवं अभिनय का सामंजस्य। आगे आपका पदम, पदम आपका श्रृंगार श्रृंगारिक भाव है। जावलिया ये आपका श्रृंगारिक भाव, तिल्लाना शुद्ध नृत्य। भरतनाट्यम के 3 घराने कौन कौन से हैं? तंजौर, कांजीपुरम और पन्नलूर। तो याद रखना है भरतनाट्यम के 3 घराने हैं, तंजौर, कांजीपुरम, पन्नलूर। कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी पर आधारित नाटक। जो कहानी पर आधारित नाटक होता है वही कथकली होता है। चरित्र के दृष्टिकोण से कथकली के 3 वर्ग हैं, सात्विक, रसिक और तामसिक। नवरसों की मुखाभिव्यक्ति पर जितना असाधारण अधिकार एक कथकली नर्तक का होता है उतना अन्य नर्तक के लिए संभव नहीं हो पाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नाट्य नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत और रामायण से। यह तमिल प्रदेश में प्रचलित भागवत मेला नाट्य शैली की प्रकृति पर का जान पड़ता है। नियम की श्रृंखला में यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुरूप है। किसके? भरत मुनि के। कुचिपुड़ी नृत्य के सोपान की बात करें तो इसमें शामिल है आपके पूर्व रंग, कथानक नृत्य, सप्तम, दशावतार, श्रीराम पट्टाभिषेकम, तिल्लाना, तरंगम, थाली पर नृत्य। ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य की सोपान है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिसी की नृत्य शैली पूर्णता आराधना की नृत्य शैली है। इस नृत्य के माध्यम से ईश्वरीय स्तुति की जाती है, ईश्वर की स्तुति की जाती है। उड़ीसी नृत्य के सोपान की अगर बात करें हम लोग तो इसमें शामिल है आपका मंगलाचरण, बट्टू, पल्लवी, अभिनय, सविनय और मोक्ष। कथक नृत्य में नित 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 नाट तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। किसमें? कथक नृत्य में। कथक नृत्य की अगर विभिन्न चरणों की हम लोग बात करें तो इसमें आपके शामिल हैं वंदना, आमत, थाट, तोड़ा, चक्रदार तोड़ा और परन। ये आपके कथक नृत्य के प्रमुख चरण हैं, चरण। और इसमें आपका कवित्व भी शामिल है और गत निकांश भी शामिल है, गत भाव भी शामिल है, पद संचालन भी शामिल है। कथक का तात्पर्य होता है कि कथा कहने वाला, कहानी कथा कहने वाला। ब्रह्मा पुराण, नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर में भी कथक शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कथक नृत्य मूलतः प्रकृति के निकट है। इसमें अभिनय मुद्राओं का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक एवं स्वतंत्र है। इनमें आपका नौ रसों की अभिव्यक्ति कथानक के आधार पर होती है। जो नौ आपके रस हैं उनका वो भी देखने को मिलता है इसमें। नायक और नायिका भेद कथक नृत्य की विशेषता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित मणिपुर की घाटी में प्रचलित एक प्राचीन नृत्य शैली आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर नृत्य के प्रमुख रास की बात करें तो महारास, बसंत रास, कुंज रास, नृत्य रास, गोष्ठ रास और उत्खल रास इसमें शामिल हैं। मोहिनी अट्टम का आशय होता है जिसकी मोहिनी दर्शकों पर छा जाए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सागर तट पर
केरल में सर्वप्रथम मोहिनी नृत्य किया था। किसने? आपके भगवान विष्णु ने। कथकली नृत्य स्वर्ग लोक की दिव्य नृत्य कला तितिरोप का है। इस नृत्य कला का उद्भव केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। मोहिनीअट्टम के विभिन्न विविध सोपान है, चालकेटू, जाति स्वरम, वर्णनम, पदम, तिल्लाना, सिलोकम। प्रकृति से लोक नृत्य एवं युद्ध नृत्य से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने अपनी एक नई शैली बनाई थी। यही छायामय नृत्य छऊ नृत्य के नाम से आपकी प्रचलित है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, झारखंड, सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज में छऊ नृत्य आपका प्रमुख नृत्य है। यहाँ इसका प्रचलन है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उट्टन तुल्लन एक केरल में, कुडिया हम, कृष्ण अट्टम, यज्ञगान आदि हैं। असम के शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 सन 2000 में भारतीय संस्कृति शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं सभी राज्यों की। तो इसमें आपको जो चर्चा में रहते हैं उन्हें याद रखना है या फिर अपने स्टेट का याद रखना है, क्योंकि आप जो स्टेट के एग्जाम होते हैं आपके उनमें आपका ये स्टेट का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके राज्य हो जाते हैं, ये आपके प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। इसमें आपका असम, तो असम में आपका कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, ये आपका अधिकतर बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। किल गोया, अंकिया नाट, बिछुआ, राखल, लीला, बगुरुवा, नटकूजा, हॉट जनाई, बोर्ड, लाजू, तबला, तबल चोंगली, चोंगबी और नांगा नृत्य, ये आपके सभी असम राज्य के हैं लोक प्रमुख लोक नृत्य। फिर आपका नागालैंड, इसमें रेगबा, रेगमा, चोंग नो नो केम चिंता, कजरम, योदनेत, खेवालिम, नोरालिप, कुर्सी नागा, चुमिके, दुहाई। फिर आपका मणिपुर, इसका है चोंग, महारास, नटरास, राज, लाई, हरोवा, संखाल, वसंतरास, थकटा, फुगवालो, कीत्रम, कीतत्वम, ये आपके मणिपुर के हैं। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो इसमें शामिल है आपका चिरोकान, पारखू पिला। अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो मेघालय में है बागला और लाहो। फिर आपका मध्य प्रदेश, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको इन्हें सबको याद रखना है क्योंकि आपका कई बार पूछ लेता है इसमें, रीना, चौथ, दीवारी, नवरानी, गोन्यो, सुआ, भगोरिया, करमो, पाली, डागला, छेरिया, हुलको, मंदिरी, सैला, विल्धा, टपाड़ी और गौड़ा, ये सभी आपके मध्य प्रदेश के हैं। फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मौनी, बोहदा, लेजम, लावणी, दही कला, तमाशा, गणेश चतुर्थी, कोली, गफा, ललिता, मोरिधा। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें शामिल है बेगा, जादूर, जाया, जट जाटिन, माधी, मूका, लूजरी, विदायत, कीर्तनिया, फवरिया, सामा चकेवा, जातरा, डागा, झीका, सोहराई, मागा, बक्को बखावन, विदेशिया, ये आपके सभी बिहार के हैं। ठीक है, अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें आपके शामिल हैं रामबेसे, गंभीरा, जाया, बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी, महाल, गंभीरिया, रायबिज, ढाली, मरसिया। उड़ीसा फिर आपका, इसमें आपका छऊ शामिल है, पेका, सवारी संचार, डंडानाट, कुलनी, पुगनाट, धूमरा, जदूर मुदारी, गरुड़ वाहन और उड़ीसे। याद रखिए, किसी के लिए भी ये सभी याद रख पाना मुश्किल रहता है, तो आपको फिर से बोल देता हूँ कि आपको अपने स्टेट का याद रखना है
और अन्य स्टेट का जो चर्चा में रहता है और फेमस है उसी को आपको याद रखना है। अब फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की, तो इसमें आपके शामिल है रासलीला, नौटंकी, थाली, पेता, जागर, चापरी, करण, कजरी, दिवाली। फिर आपका उत्तराखंड, तो इसमें शामिल है कुमायू झूला, झोरा। फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपका मर्दाला, कुंभी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बातकम्बा, बीदी, माधुरी, ओट्टम तुल्लु, काली अट्टम, कुड़ी अट्टम, केकोट्टी कली, भद्द कली, टप्पाती काली, कुचिपुड़ी। ये सभी आपके आंध्र प्रदेश के हैं। फिर आपका कर्नाटक की बात करें हम लोग, तो कर्नाटक में आपका यक्षगान, कुनीता, वीरगास्पे, गस्से, भूतकोला, कारवा, ये सभी आपके कर्नाटक के हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गणपति भजन, राम रासलीला, डांडिया रास, गरबा, पड़ीहारी नृत्य, लास टिप्पणी, अकोलिया, भावरे, ये आपके गुजरात के लोक नृत्य हैं। अगर हम लोग गोवा राज्य की बात करें तो दखनी, खोल, झगोर, मांडी। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो कठपुतली, धापाल, जिंदाद, पूगर, सुई झीनी, बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, लीला, झूलन, लीला, कमाड, चरी, चंग, फूदी, गीदड़, गैर पनिहारी, पनिहारी, गड़गोर, ये सभी आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें हम लोग तो राउप, भद जास, हिकात, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो परिचा काली, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा, ये उतनेत, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। हरियाणा की बात करें तो भांगड़ा, डप, सांग, धमान। पंजाब की अगर बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, कीकली। तमिलनाडु में कुंभी, कावड़ी, कनाडम, कोलाट्टम, पित्तल, कुआट्टमा, भरतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु का है। जैसे आप जानते हैं कि भरतनाट्यम आपका चर्चा में बना रहता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश, इसमें आपका सांगला हो गया, चंबा, डॉगी, डंडा नाव, डफ, धमान, थाली, जत्था, छरवा, महाथू, छपेली, ये आपके सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो कर्मा इसमें शामिल है, सरहुल, छऊ, जट जटिन, ये आपके सभी झारखंड के लोक नृत्य हो गए। अब चलते हैं हम लोग भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं नृत्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपका भरतनाट्यम, दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली, जिसमें कविता, संगीत, नृत्य, नाटक का अद्भुत समावेश देखने को हमें मिलता है। इसके प्रमुख केंद्र हैं मद्रास और तंजौर। कहाँ कहाँ? मद्रास और तंजौर। इसके मुख्य क्रम में निम्न प्रकार से हैं, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, तिल्लाना। अगर हम लोग इसके प्रमुख नृत्यक की बात करें तो इसमें शामिल है आपकी पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी, कृष्णमूर्ति, अरुणडेल, रुक्मणी देवी, मालविका, सारुकई, एस के सरोज के बाद आपके हैं लीला जैक्सन, रामगोपाल, बेयंती माला, कोमला वर्धन आदि इसके प्रमुख हैं आपके। ठीक है, फिर है आपका कथक। कथक आपका उत्तर भारत का है। कहाँ का? उत्तर भारत का। कृष्ण के द्वारा किया गया प्रमुख नटवरी नृत्य, जिसे कथकवरी, नटवरी नृत्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके दो अंग हैं, तांडव और लास। सिर्फ तांडव आप लोग सुनते हैं, ये वही है। अगर इसके प्रमुख नृत्यों की बात करें हम लोग तो इसमें आपके लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज,
ये भी आपसे पूछ लेता है कि किस किस नृत्य के नृत्यक है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। सबको देखिए याद रख पाना मुश्किल रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको उन्हीं को याद रखना है जो चर्चा में रहते हैं, जैसे आपके बिरजू महाराज हो गए, यह हमेशा बना रहता है, इनसे आता रहता है क्वेश्चन। लच्छू महाराज हो गए, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। और फिर आप जिस स्टेट के हैं, यूपी के हैं तो इस यूपी के लोगों को याद रख लीजिए, एमपी के हैं तो एमपी, जहाँ के हैं जिस स्टेट के हैं, क्योंकि अधिकतर स्टेट में आपकी स्टेट पीसीएस आ रहा है तो उसमें आपका वही पूछा जाएगा। फिर आपका मोहिनीअट्टम, आप सभी को पता है कि ये केरल का नृत्य है, केरल की नृत्य शैली है, जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर तट के पर किया था। अगर इसके प्रमुख नृत्यकों की बात करें तो इसमें हेमा मालिनी, तारा निडुगाड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी। अब आपके पूछ सकता है हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी तो अब चल बसे ऊपर, तो इनके बारे में भी पूछ सकता है। कला देवी हो गई, रागनी हो गई, रागनी देवी, गीता गायक के कल्याणी अम्मा, तंकमडी, कनक रेली हो गई। अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी, ये उड़ीसा में प्रचलित यह नृत्य शैली प्राचीनतम है तथा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके प्रमुख अंग हैं नृत्य संचालन, गिरीवा संचालन, हस्तक मुद्राओं में पद संचालन। इसके अगर प्रमुख नृत्यकों की बात करें हम लोग तो कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी, सोनल मानसिंह, माधवी, और मुदगल सुजाता मिस, प्रियवंदिता मोहंती, मीनाती दास, सेवता प्राणीगेही, मायाधर राउत, रंजना डिनियल्स, ये सभी आपकी हैं। फिर आपका कथकली, यह केरल और मालाबार क्षेत्र की नृत्य शैली है। पुरुष प्रधान रस नृत्य में संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिलती है। इसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं, कौन कौन सी, पाचा नायक और केटी राक्षस। पाचा नायक होता है और केटी राक्षस। अगर इसके हम लोग प्रमुख नृत्य की बात करें तो मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांताराव रामगोपाल, बल्लोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी। ठीक है, फिर आपका मणिपुरी, इसमें पूर्वी बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली है, जिसे लाई हरोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस मणिपुरी रास के निम्नलिखित प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, वसंत रास, महारास, कुंज रास, गोष्ठ रास, नृत्य रास और उखल रास। अगर इसके हम लोग प्रमुख नृत्यकों की बात करें मणिपुरी की, तो इसमें आपकी झावेरी बहने, गामिता देवी, सिंहजीत सिंह, थाम्बल यामा, रीता देवी, सविता मेहता, कलावती देवी, निर्मला मेहता, ये आपकी चर्चित हैं। फिर आपका कुचिपुड़ी, यह आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। वैदिक एवं उपनिषदों में पंडित धर्म का प्रसार करने वाला यह नृत्य भागवत और पुराण पर आधारित है। किस पर, भागवत और पुराण पर। दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, पहला शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेकम, शिवाजी शब्दम आदि इसके प्रमुख नृत्य नाटक हैं आपके कुचिपुड़ी के। अगर इसके हम लोग प्रमुख नृत्यकों की बात करें तो सुफन सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्प्रति सत्यनारायण और यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण आदि हैं आपके। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नृत्य थे, वो उनकी नृत्य थे। ठीक है, फिर आपका चित्रकला क्या है। चित्रकला, सर्वप्रथम ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं जैसे आपका पूछे सबसे पहले चमड़े बने चित्र, यानी कि चित्र बने का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, किस पर बना थे, चमड़े पर। छठी सदी ईसा पूर्व में चित्रकला की स्थिति की सूचना हमें देता है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में चित्र रचना के संदर्भ में विवरण छोड़ा है। ये आपका कई बार पूछ लिया गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की, आपको याद रखना है। वात्स्यायन की कामसूत, वात्स्यायन कामसूत किसकी रचना है, वात्स्यायन की,
विशाखदत्त कृत में मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। इन दोनों में क्रमशः चित्तकाल की सामग्रियों एवं चित्तपटों का विवरण देखने को हमें मिलता है। सामान्यतः भारतीय चित्रकला के चार रूप देखने को हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं? भित्री चित्र, जिसके नमूने बाघ, अजंता, बादामी, स्थितन वासल की गुफाएं, गुफा भित्तियों पर हमें देखने को मिलते हैं। चित्तपट, चित्तपट यह चमड़े और या फिर कपड़े के टुकड़ों पर की जाती है। चित्तफलक, इसमें आपका चित्रांकन धातुओं, पत्थरों अथवा लकड़ी के टुकड़ों पर किया जाता है। फिर आपका लघु चित्रांकन, इस प्रकार के चित्र किताबों के पृष्ठों, वस्त्रों के टुकड़ों तथा कागजी टुकड़ों पर बनाया जाता है। अजंता के चित्रों का निर्माण शुंग, कुषाण, गुप्त आदि अनेक राजाओं के समय ईसवी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व से प्रथम सदी से लेकर 7वीं सती ईस्वी तक प्रारंभ होता है, यानी कि ईसा पूर्व प्रथम सदी से शुरू होता है और 7वीं सदी तक ये चलता रहता है, शुंग कुषाण गुप्त शासकों के समय तक। अजंता में कला की खोज सर्वप्रथम 1834 में सर अलेक्जेंडर ने की थी। तो याद रखना, अजंता में कला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर अलेक्जेंडर ने। कब? 1834 में। अजंता की कुल छोटी बड़ी 30 गुफाएं, कितनी? 30 गुफाएं। इनमें दो प्रकार की हैं, धक स्तूप गुफा और बिहार गुफा। अजंता की चित्रावली का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उसमें लगभग 20 प्रकार की विभिन्न शैलियों का समावेश भी हमें देखने को मिलता है। बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियाँ बताई गई हैं इसमें, देव शैली, दूसरी यक्ष शैली, तीसरी आपकी नाग शैली। किसमें? बौद्ध चित्रकला की 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। फिर आपका गुफा नंबर जो 16 की, जो गुफा नंबर आपकी 16 है, इसके दो चित्र अतीत यानी कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला है आपका गहरी रात में बुद्ध के गृह त्याग का चित्र, जब आपने देखा होगा कि बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने घर त्यागा, एक उस समय का चित्र है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी यशोधरा और राहुल पर दृष्टिपात करते हुए बुद्ध देव अंकित किए गए हैं दूसरे चित्र में, ठीक है। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में, आपको याद रखना है। अगर आप MP के हैं मध्य प्रदेश के, तो ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिया गया है। बाकी गुफाएं किस जिले में है आपकी? धार जिले में। विंध्य पर्वत श्रृंखला जंगल के उस भाग में जहाँ आज भी घने जंगल और भीलों की बस्तियाँ यहाँ मिलती हैं आपको, बाकी गुफाओं के आसपास। इनमें गुफाओं की संख्या आपकी 9 है, कितनी? 9। पहली गुफा आपकी ग्रह गुफा के नाम से जानती है और दूसरी गुफा आपकी थेंथ के नाम से जान थेत के नाम से जाना से प्रसिद्ध है। हाथी गोला और रंग महल आदि की भी गुफाएं यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। आगे है आपका 3 गुफाएं जो महायान से संबंधित थीं, विनष्ट हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ जो आपकी 3 गुफाएं महायान शाखा से संबंधित थीं वो आपकी खत्म हो चुकी हैं, यानी कि विनष्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। इसके अधिकतर चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। बाकी गुफाओं में प्रकृति का मानवीय चित्रण देखने को हमें मिलता है। फिर आपका एलिफेंटा गुफाएं हैं, ये आपकी बम्बई के समीप हैं। बम्बई के समीप एलिफेंटा गुफाओं के मंदिर में 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं, जिसमें आपके भगवान शिव के विविध रूपों को दर्शाया गया है। सर्वाधिक आकर्षक प्रतिमा त्रिमूर्ति शिव की है, जो आपकी 23 से 24 फीट चौड़ी और 18 फीट ऊंची है, कितनी? 23 से 24 फीट चौड़ी है और 18 फीट ऊंची है। एलिफेंटा गुफा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिमूर्ति में अकेले शिव के ही 3 रूप दिखाए गए। भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर प्रतिमा में तो दर्शन और कला का अनुरूप संयम देखने को हमें मिलता है। इसमें पार्वती के विवाह को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एलोरा की गुफा अजंता के से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है, यानी कि लगभग लगभग एलोरा और अजंता की गुफाएं पास ही हैं। यहाँ के मंदिरों में अनेक भित्ति चित्र भी बने हुए हैं, ये आपकी दोनों महाराष्ट्र में है, याद रखिए, जिसमें आपका कैलाशनाथ मंदिर हो गया, लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश आदि चित्र बड़े ही आकर्षक देखने को हमें मिलता है,
यहाँ के मंदिरों में। ये आपका कई बार पूछ लिया गया है। एलोरा की गुफाएं किस किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपकी बुद्ध, हिंदू और जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। तो याद रखिए, बुद्ध हिंदू तीनों से संबंधित हैं। एलोरा में बुद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? 12। बादामी की गुफाएं भी बंबई के पास ही आपकी स्थित हैं। यहाँ से चालुक्य शैली के 4 गुहा मंदिर हमें देखने को मिले हैं। कहाँ से? बादामी की गुफाओं से। सीतनवासल तमिलनाडु प्रदेश में तंजौर के समीप स्थित हैं। सीतनवासन जो गुफाएं हैं, ये आपकी तमिलनाडु प्रदेश की तंजौर के समीप देखने को मिली है। यहाँ पर पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम और उसके पुत्र जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने अनेक गुफा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अमीर खुसरो के खामोश में दृश्य का चिंतांकन अत्यंत सहज ढंग से तथा रंगसाजी का कार्य अत्यंत प्रभाव उत्पादक तथा आकर्षक शैली में तुलित प्राप्त होता है। लोर चंदा जो कि संभवतः जौनपुर में हुसैन साकी शाह सरकी के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था, मैं राजपूत और फारसी शैली का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। लोर चंदा ठीक है। फिर आपका सल्तनत कालीन चित्रकला शैली के प्रसिद्ध नमूनों में 1533 में चित्र फिरोज शाह तुगलक का चित्र, बीकानेर की रंगमाला लघु चित्रावली जिसे विजयनगर तथा तुर्की शैलियों के मिश्रित रूप में से तैयार किया गया था। चित्रकला की शैलियों के प्रमुख हैं पाल शैली, पटचित्र, गुजरात शैली, अवधारण शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, दक्कन शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, कोटा बूंदी शैली आदि इसमें शामिल हैं। आपके राजस्थान स्थित वर्तमान जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर जिसे कभी सम्मिलित रूप से आप लोग किशनगढ़ के नाम से जानते हैं, वहीं पर चित्रकला की एक नवीन शैली बनी ठनी ने 1735 से 1757 के बीच जन्म लिया था। तो याद रखना बनी ठनी शैली थी। समग्र रूप से इस शैली को किशनगढ़ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में से एक अनुपम चित्रकला माना गया है। धर्मपाल एवं देवपाल राजाओं के संरक्षण में अजंता के अनुकरण पर बंगाल में आपका पाल वंशीय शैली का निर्माण हुआ था। धर्मपाल और देवपाल उसके प्रमुख चित्रकार थे धीमान और बितपाल। इस शैली का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ है। कब? 9वीं शताब्दी में। 1924 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी गुजरात शैली को विकास में लाए थे। गुजरात शैली को कौन विकासित में लाया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी 1924 में। इसे गुजरात या फिर गुर्जर शैली के नाम से भी आप लोग जानते हैं। गुजरात के बाहर तथा गुजरात में जैन और जैनेतर ग्रंथों में के अनेकानेक चित्र प्राप्त हमें हुए हैं। इस शैली को राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली कहा था। क्या? अपभ्रंश शैली। जैन चित्रकला शैली की ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से है। इसके प्रमाण सीतनवासल गुफा की पांच जैन मूर्तियां हैं जो सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राजा तथा महेंद्र वर्मन के काल में विनिर्मित यानी कि बनाई गई थी। इस शैली की प्रमुख विशेषता की बात करें तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर बनाई गई चित्रकारी की दिशा में ये आपका पहला स्थान था। किसका? सीतनवासल गुफाओं का। आगे है इसमें राजपूत शैली का विकास आंशिक रूप से आपका 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस शैली के विकास में कन्नौज, बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं का काफ़ी योगदान रहा है। राजपूत शैली की समृद्ध एवं प्रभावशाली शाखा कोटा और फिर दूसरा आपका बूंदी के नाम से प्रसिद्ध थे। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आपके कलाकारों ने राज्य के प्राकृतिक दृश्यों का पूर्ण उपयोग किया जिसमें आपका रंगमाला, रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र,
अत्यधिक रोमांटिक एवं प्रभावपूर्ण हैं। फिर आपका दक्कन के महान संरक्षक अली आदिल शाह और उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम सेकंड। वस्तुतः इस शैली का प्रधान केंद्र आपका बीजापुर ही था। कौन था? बीजापुर। बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर में तैयार की गई रंगमाला चित्रकारी दक्कनी शैली की श्रेष्ठ रचना है आपकी। गढ़वाल चित्र शैली के जनक आपके सामनाथ और हरदास को माना जाता है। किसका? गढ़वाल शैली चित्र शैली का सामनाथ और हरदास। वस्तुतः इस शैली का चरणोत्कर्ष भोलाराम के समय में हुआ है। किसके? भोलाराम के। 1526 में आपके मुगलों के आगमन से भारत में एक नवीन चित्र शैली का आगमन हुआ, जिसे फारस के महान चित्रकार वही जाद ने विकसित किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसी युद्ध के बाद भारत पर मुगलों का शासन प्रारंभ होता है आपका। मुगल काल में हुमायूं ने फारसी चित्रकला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। यद्यपि रूप चित्रकारी का प्रचलन अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था, किंतु जहांगीर के शासनकाल में यह अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई। शाहजहां के काल में मोहम्मद फकीर उल्लाह प्रमुख चित्रकला मरभंग था। मुगल काल में मुख्यतः दो प्रकार के चित्र बने थे, एक आपका व्यक्तिगत चित्र था, दूसरा लघु चित्र था। प्रकृति चित्र और फलपत्ती पशु पक्षी दरबारियों के चित्र पुस्तकों के उदाहरण। चित्रों का भी इस युग में निर्माण हुआ। मुगल कालीन चित्रों में दो प्रकार के चित्र शैलियों का मिश्रण होता है, एक आपका भारतीय था, दूसरा आपका ईरानी था। भारतीय और ईरानी। मुगल साम्राज्य की समाप्ति की अवस्था में कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन होने लगा था। इस पलायन के क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप भी विकसित एवं उन्नत हुए। इन्हीं चित्रकला में एक आपका था पटना कलम और दूसरा था पटना शैली। इस शैली पर मुगल शाही शैली, ब्रिटिश शैली तथा स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस विद्या के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सेवक राम, इनका जीवन काल रहा है 1770 से 1830। फिर आपके हुलास लाल, ये आपके 1785 से 1885 तक रहे। फिर आपके जय रामदास, शिवदयाल लाल, ईश्वरी प्रसाद आदि नामों का उल्लेख रहा है इसमें, ठीक है। फिर आपका मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकृतियाँ इसमें आपका शामिल है सभ्यता और हिंसा, आंखों पर पट्टी बांधी गंधारी, हाथी और चकबियों में फंसा अभिमन्यु, घोड़ा, अश्वत्थामा और आदमी, ये आपकी मकबूल फिदा हुसैन की चित्रकृतियाँ हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक चित्रकला की विभिन्न चित्र शैलियों के रूप नाम और समृद्ध चित्रकार। इसमें आपका ताजमहल और शाहजहां की मौत, औरंगजेब का बुढ़ापा, बुद्ध और सुजाता, पद्मपत्र में अश्रुबिंदु, भारत माता, शाहजहां का ताज को देखना, तिस्रक्षिता, स्वतंत्रता का स्वप्न, रविंद्रनाथ का महाप्राण, कृष्ण लीला, ये सभी ये किसकी हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर की, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। ये सभी आप चित्र किसके हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर के, ठीक है, याद रखिए। फिर आपका घायल बकरी हो गया, घायल बकरी को ले जाते हुए बौद्ध, गांधी जी की दांडी यात्रा, नए मेघ, यम सावित्री, उमा की तपस्या, स्वर्ण कुंभ, कृष्णार्जुन, शिव का विस्पान, वसंत, युधिष्ठर की स्वर्ग यात्रा, करण, गंधारी, ये सभी आपके नंदलाल के चित्रकार हैं, चित्र हैं नंदलाल बोस के। फिर आपका वर वधु का श्रृंगार, नारी, भारतीय लड़कियां, नील का वासना, नव युवतियाँ, भिकमंगे, पहाड़ी स्त्रियां, कहानी वक्ता, तीन महीने, प्रोफेशनल मॉडल, पनी हारिन, ये सभी आपकी अमृता शेरगिल के चित्र हैं। किसके? अमृता शेरगिल के। राम और गुह मेघदूत, उसकी बापोती, विकासोन्मुख
युवन, वसंत बहार, नववधु, वेद का अध्ययन, पारब्ध, कच्छ देवयानी, कुणाल और अकबर, ये सभी आसित कुमार हल्दार के चित्त हैं। ठीक है, एक बंदी राजकुमारी की अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते समय चैतन्य का भक्ति बेहल कीर्तन, नृत्य करती बालिका के लहंगे की झिलमिलाती तहों की घनाकृति, हिमालय में बरसाती मैदम, ये सभी आपके गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के हैं। बुद्ध का ग्रह गमन, टोकरे वाली स्त्री, पत्नी और प्यार का बोझ और हट की ओर, ये सभी आपके रविशंकर रावल से संबंधित हैं। किससे? रवि शंकर रावल से। यह आपके आधुनिक चित्रकला की स्कूल, आधुनिक चित्रकला स्कूल के मिश्रित चित्र और उसके चित्रकार हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। चित्र हैं, चित्रकार हो गए। घोड़ा मकबूल फिदा हुसैन, नृत्य सैलोज मुखर्जी, काली लड़की के एस कुलकर्णी, लीली प्राण कृष्ण चाल, भैंस निहाद चौधरी, गुमसुम लड़की भावेश सान्याल, स्टिल लाइफ जार्ज कीट, असहाय सतीश गुजराल, मसूरी ई कुमारिल स्वामी, परिवार आपूजी हेरूर, घर गांधी जी, ये हरेन दास का है, अलौकिक प्रेम ए अलमेलकर का है। फिर आपका सैन कक्ष, चित्रकार हैं इसके गोपेन राय, ऋतु सिंगार, इसके चित्रकार हैं नंदलाल बोस, गोवर्धन धारण, शारदा चरण उकील इसकी चित्रकार हैं। बालों से पानी निचोड़ती नायिका, इसके चित्रकार हैं अबुल रहमान चुगताई, स्वपन लोक गगनेन्द्र नाथ ठाकुर इसके चित्रकार हैं, अभिसारिका इसके लेखक हैं अवनिंद्र नाथ ठाकुर, रोटी नायिका ईश्वर प्रसाद वर्मा इसके चित्रकार हैं, दोपहर का विश्राम देवी प्रसाद राय चौधरी इसके चित्रकार हैं, प्रतीक्षा चितेंद्र मजूमदार इसके चित्रकार हैं, प्याऊ मनीष दे इसके चित्रकार हैं, अल्पाहार वद्दिनी नारायण इसके चित्रकार हैं। फिर आपका बीड़ावादनी हो गया, कौन है इसके चित्रकार? बीड़ावादनी के हो गए श्री निवास सुलू, बैलगाड़ी अवनीश सेन, मुर्गों की लड़ाई कृष्ण हेब्बर, नींबू बेचने वाला अमृता सरगिल, काला घोड़ा यामिनी राय, पर्वत कंचनजंगा निकोलाई रोरिक, वात्सल उत्सव इसके चित्रकार हैं वरदा वकील। फिर आपके भारत के प्रमुख चित्रकारों की बात करें हम लोग, तो इसमें आपके शामिल थे रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए, अभिनय अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, असित कुमार हल्दर, चितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता सिरगिल, शोभा सिंह, मोहम्मद अब्दुल रहमान, राजा रवि वर्मा, भावेश चंद्र सन्याल, सतीश गुजराल, यामिनी राय, तेयब मेहता, प्रमुख आपके भारतीय चित्रकार हैं। मिथिला एवं मधुमनी चित्रकला में धार्मिक एवं लोकप्रिय है, ग्रामीण लोक कला की अभिव्यक्ति पाई जाती है हमें, यानी कि देखने को मिलती है किसमें? मिथिला और मधुबनी चित्रकला में। यह एक लोक कला है जिसमें महिलाओं की ही लगभग पूरी पूर्ण भूमिका होती है इसमें। ये चित्र दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका भीतरी चित्र और दूसरा अरिपन। बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर में नामक ग्राम मिथिला लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपकी। मिथिला चित्रकला की सर्व प्रमुख कलाकार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त 80 वर्षीय सीता देवी, जिन्होंने 1986 में बर्लिन में भारत महोत्सव में भाग लिया था। जादोपाटिया चित्रकला की लोक शैली जो संथाल समाज में के मिथक पर आधारित है। अब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी तरह से, जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि हर पॉइंट को याद करना मुश्किल रहता है, तो उन्हीं पॉइंट को याद रखिए, थोड़ा जोर से याद रख लिया करिएगा या थोड़ा दोहरा लिया करिएगा, जो क्वेश्चन हर बार बनते रहते हैं। इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी एग्जाम हो उसके एक 10 साल पुराने पेपर देख लिया करिएगा, क्या होता है कि उससे एक अंदाज़ा बन जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
इनका नजरिया यानी कि इनका स्वभाव किस तरह से क्वेश्चंस का, ठीक है। इन चित्रों की रचना करने वालों को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है, जादू। इसमें चित्र छोटे कपड़ों या फिर कागजों के टुकड़ों को जोड़कर बने पट्टों पर अंकित किए जाते हैं। थंका चित्रकला मूलतः तिब्बती चित्रशैली की, लेकिन कुछ लोग इन्हें बिहार की चित्रशैली मानते हैं। क्या मानते हैं? बिहार की चित्रशैली मानते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र उनके चित्रकारों की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके चित्र हो जाते हैं, ये चित्रकार। बाज, इसके चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। मोनालिसा, ये आपका फेमस चित्र है, इसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। द फॉल ऑफ मैन, इसके चित्रकार थे माइकल एंजेलो। माँ मैडोना, इसके चित्रकार थे आपके रफेल। ये भी आपका कई बार पूछ लिया गया है तो आपको इन सभी को याद रखना है। शेष फूल, इसके जो चित्रकार थे विशन दास, सभी इसके चित्रकार थे। नारी, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर। कल्की अवतार, गगनेंद्रनाथ ठाकुर। उड़ीसा की एक दुकान, नंदलाल बसु। सह अस्तित्व, इसके लेखक चित्रकार थे असित कुमार हल्दर। द लास्ट सफर, इसके भी लेखक आपके लियोनार्डो दा विंची थे। द लास्ट जजमेंट, इसके लेखक थे यानी कि चित्रकार थे आपके माइकल एंजेलो। शकुंतला वियोग, इसके आपके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ढोलकिया, इसके चित्रकार थे मकबूल फिदा हुसैन। मजाज जॉन बालकोनी, इसके आपके चित्रकार थे फ्रांसिस्को गोया, ठीक है। आगे है आपका, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में लोक कथाओं में विचलित बिहुआ बेसरी की कथाएं मंजूषा चित्रशैली में चित्रित होती हैं। इस शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरों पर कसरिप बायां पक्षी निमेट होता है। राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं आपके यहाँ। चित्रकारों के राजकुमार या फिर राजकुमारों में चित्रकार की संज्ञा से सुविख्यात राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर स्थित किनीमत्तूर में के राजघराने में हुआ था। उसने लाल, सुनहरे, तांबई, पीत रंगों का पिचुर प्रयोग भी किया था। किसने? आपके राजा रवि वर्मा ने। नल दमयंती, मानिनी राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद, भीष्म पितिज्ञा आदि उनकी प्रमुख चित्र विधियाँ हैं रवि वर्मा की, ठीक है। रवि वर्मा बंगाल चित्रकला शैली का अग्रदूत अवनिंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं। अवनिंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1871 में होता है, ठाकुर यानी कि टैगोर परिवार में। इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में आपके शाहजहाँ का ताज को देखना, रेखा एवं रंगों में कलाकार के मन की गहराइयों में छिपे भावों की अभिव्यक्ति की गई थी अवनिंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। फिर ये आपका यमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। यमिनी राय का आधुनिक चित्रकार थे, यमिनी राय आपके आधुनिक चित्रकार थे। सलार जंग संग्रहालय विश्व कला संग्रहों का भंडार है आपका सलार जंग संग्रहालय, यह भारत के हैदराबाद में है। यह आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये थी पूरी आपकी कहानी चित्रकला की। मूर्ति कला सैंधव सभ्यता 1225 से 1520 ईसा पूर्व से हमें पिस्तल, धातु, मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, यानी कि हमारी सिंधु सभ्यता से हमें इस तरह की धातु की, पिस्तल की, फिर मिट्टिया की मूर्तियां हमें प्राप्त होने लगी थी। इस काल में पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण होता था, यानी कि आपका मूर्तिकला यानी कि मूर्ति बनना आपका सिंधु सभ्यता से ही शुरू हो गया था। पटना के दीदारगंज से प्राप्त स्त्री की मूर्ति 5.5 फीट की है, जो एक चौकी पर खड़ी है।
यह मूर्तिकार मौर्यकाल की मूर्ति है। किसकी? मौर्यकालीन मूर्ति है आपकी। मौर्यकालीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभों को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय है। आपने देखा होगा अशोक का स्तंभ, जो आपका भूमरा स्तंभ हो गया, सारनाथ हो गया, सांची का स्तूप हो गया, इनमें भी आप इस तरह की मूर्तियां देखते हैं, आकृतियां। कनिष्क के समय, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत भगवान बुद्ध की पूजा मूर्ति रूम में होने लगी थी। यानी एक तरह से कह लीजिए कि आज जो हम लोग मूर्तियां रखकर पूजा करते हैं, ये प्रथा आपकी भगवान बुद्ध की पूजा से शुरू होती है महायान शाखा में, और ये कनिष्क के समय से शुरू होती है। मथुरा से कनिष्क की एक सिरविहीन मूर्ति प्राप्त होती है हमें। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति प्राप्त होती है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क अंकित है। यानी कि ये उपाधियाँ कनिष्क को मिली हुई थी, इसी से इसमें अंकित किया गया। गुप्तों के शासनकाल में मथुरा में मूर्तियों का निर्माण होता था। गुप्त काल में मथुरा में मूर्तियों का निर्माण होता था। सारनाथ की भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपनी कला और भावभंगिमा के कारण अनुपम है। शुद्ध अलंकरण की दृष्टि से 12वीं शताब्दी के चालुक्य और होयसल मंदिरों की मूर्तियां सुंदर हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजयनगर के हिंदू राजाओं ने भी अनेक मूर्तियों के निर्माण में योगदान दिया। फिर आपके सरोज बैद्यनाथन एवं प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात रहे हैं। फिर आपके संगीत के प्रमुख वाद्यंत्र देखते हैं। वाद्यंत्र के प्रकार हैं, विशेषताएं हैं इसकी और वाद्यंत्र, ठीक है। घनवाद, आपस में ठोककर ध्वनि निकालने वाला वाद्यंत्र होता था ये, जैसे आपका कोलू या फिर डांडिया, बिल्लू कुट्टू या फिर ओन बिल्लू, डहारा या फिर लड्डी साय, सोंग कोंग, टक्का, मुखचंग, थाली, जांगटे या सीमू, चिमटा, मजीरा, गिलवड़ा आदि, इस तरह के घन वाद्यंत्र हुआ करते थे, जिन्हें आपस में ठोक कर ध्वनि निकाली जाती थी, यानी कि बजाया जाता था। फिर आपका अवनद वाद्य, किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा लगाकर वाद्यंत्र करना। इसमें आपका सूर, तरई, चांद तरई, ढप, खंजरी, कंजीरा, गना पंपई, मृदंग, दम, पखावज, खोल, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, तबला, डुग्गी आदि शामिल थे। फिर आपका सुशीर वाद, इसे फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र था ये। इसमें आपके शामिल थे सिंघा, कुंभू, शंख, तुरई, बांसुरी, बीन, शहनाई, हारमोनियम आदि शामिल हैं। फिर आपका तत्ववाद यंत्र, इसमें तारों में कंपन उत्पन्न करके संगीतमय ध्वनि पैदा करने वाला यंत्र हुआ करता था। इसमें आपका एक तारा है, तानपुरा है, वीणा, सितार, सारंगी, सरोद, संतूर, इन्हें शामिल किया जाता है आपका। अब संगीत के फेहर होते हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। संगीत के फेहर को संगीत के समय चक्र के अनुसार दिन में 24 घंटों को 8 पहरों में बांटा गया है। यानी कि एक दिन में जो आपके 24 घंटे होते हैं, इसे 8 पहरों में बांटा गया है। संगीत के पहर में 3 घंटों का एक पहर होता है, जिसमें आपका प्रातःकालीन प्रथम पहर या आपका 7 बजे से 10 बजे सुबह तक होता है। दिन का द्वितीय पहर ये आपका 10 बजे से 1 बजे तक होता है, दिन की बात चल रही है। फिर दिन का तृतीय पहर ये आपका दिन में 1 बजे से शाम को 4 बजे तक होता है। फिर सायकालीन संधि विकास पहर ये आपका 4 बजे से 7 बजे तक होता है। रात्रि का पहर ये आपका 7 से 10 बजे तक होता है। रात्रि का द्वितीय पहर ये आपका 10 बजे से 1 बजे तक होता है। रात्रि का तृतीय पहर ये आपका 1 से 4 बजे तक होता है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश पहर ये आपका 4 से सुबह 7 बजे तक होता है।
तो ये समझ सकते हैं कि संगीत के पहर को भी कई भागों में बांटा गया था, यानी कि आठ, 24 घंटे में, 8 24 घंटों को 8 पहरों में बांटा गया था, और अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग संगीत रहा करते थे। अब बात करते हैं प्रमुख भारतीय संगीत शैली के गायकों के बारे में। तो सबसे पहले आपके बात करते हैं ध्रुपद गायक, इसमें आपके शामिल हैं अल्लाह बंदी खां, पंडित चंदन चौबे, नसरुद्दीन खां, पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी, डागर बंधु, जहरुद्दीन डागर, फैजुद्दीन डागर, अभय नारायण मल्लिक, ये सभी आपके ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, फिर है आपके ख्याल गायक, ख्याल गायक, इसमें आपके शामिल हैं गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, रहमत खान, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, फिर केसर भाई, ताराबाई सरोडकर, फयाज खां, पंडित मातकर राव वाखले, निसार हुसैन खां, पंडित दिलीप चंद बेदी, हीराबाई वड़ोदकर और पंडित कुमार गंधर्व और पंडित भीमसेन जोशी। फिर आपके कर्नाटक शैली के गायक, इसमें आपके शामिल हैं श्रीनिवास अय्यर, संगीत पालघाट, मल्लिकार्जुन, सेम्मनगुड़ी, इसके बाद हैं आपके मंसूर, राम अवतार अरिकुट्टी, रामानुज अयंगार, पल निसुबुड्डू, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्ले, बाल मुरली मुरली कृष्णा, टी एन कृष्णन, सुश्री मणि कृष्णा स्वामी। फिर आपके हिंदुस्तानी संगीत गायक, इसमें आपकी हीराबाई बड़ोदकर, श्रीमती मालिनी राजूरकर, शोभा गोड्डू, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित इसमें शामिल हैं। फिर आपके शास्त्रीय गायक में, इसमें एसएस सुब्रु लक्ष्मी, विनायक राम और पंडित जसराज इसमें आपके शामिल हैं। फिर आपका पांडवानी गायक, इसमें शामिल हैं आपके झंडूराम देवारगन, फिर आपकी तीजन बाई और रितु वर्मा। फिर गजल गायक में आपके पीनाज मसानी, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और रीता गांगुली हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख वाद्यंत्र और वादक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका सितार, इसके सितार वादक रहे हैं आपके पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, जाहिर परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादिल बनर्जी। गिटार की बात करें तो इसमें शामिल हैं आपके विश्वमोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावड़ा, श्री कृष्ण नलीन। फिर सरोद वादक की बात करें तो इसमें आपके शामिल हैं सरोद में अजमल स्वामी सॉरी अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, नरेंद्रनाथ धर, विश्वजीत राय चौधरी, गुरुदेव सिंह, अभीक सरकार, अमान बंधु भिराधिका मोहन मुइत्रा, जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दास गुप्त, देवाशीष भट्टाचार्य, राजेंद्र मिश्र, सुप्रभात पाल, पार्थ सारथी, ये आपके सभी सरोद वादक हैं। अगर हम लोग तबला की बात करें तो इसमें आपके शामिल हैं अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, गुदई महाराज, पंडित शामदा प्रसाद, इन्हें ही बोला जाता है, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, फयाज खान, सुखविंदर सिंह, पंडित रंगनाथ मिश्र। फिर आपका बांसुरी, इसकी अगर बात करें तो पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र पिसन्या, सिक्किल सिस्टर्स, बी कुंजमणि और एन नीला कर्नाटक शैली की थी। ठीक है, शहनाई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके बिस्मिल्ला खां, ये बिस्मिल्ला खान चर्चा में भी बना रहता, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां थे। घाटम की बात करें तो इसके हैं टी एच विनायक राम। हारमोनियम की बात करें तो अप्पा जुलगांवकर, भोरेलाल खां, महमूद धालपुरी इसके हैं। और फिर आपका वायलिन, इसमें आपके शामिल थे वायलिन वादकों में विष्णु गोविंद जो, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, टी एन कृष्णन, लालगुड़ी जयरामन, एल सुब्रमण्यम, बी 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 बी
सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्ले, एम एस गोपाल कृष्णन, एन सुब्रमण्यम, कुनक्कड़ी वैद्यनाथन कर्नाटक शैली की थी। ठीक है, फिर आपका वीणा वादन, इसके वीणा वादक के थे एस बालचंदन, कल्याण कृष्ण भगवतार, बद्रुद्दीन डागर, बी दोरे स्वामी अयंगर। फिर आपका रुद्र वीणा, इसके शामिल हैं असद अली खां बीकानेर घराना के, उस्ताद सादिर अली। फिर आपका सारंगी, इसमें शामिल हैं उदयना लाल, माधव प्रसाद, अब्दुल वाज वाहिद, नाथुजी बियावत, पंडित रामनारायण, इंदलाल, सावरी खां, ध्रुव घोष, वजीर खां, आसिफ अली खां, इसमें शामिल हैं आपके सारंगी वादक में। संतूर, इसके वादक थे भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। फिर मृदंग, पालधार रघु ठाकुर भीकम सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। फिर आपका नाद स्वरम, इसमें शामिल थे नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, शेख आदम साहब, नचियार कोविल राजन और दोरी कन्नू बंधु। पखावज में थे आपके गोपाल दास, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उस्ताद रहमान खान, नारायण राव, छत्रपति सिंह। जल तरंग की बात करें हम तो जगदीश मोहन, रामस्वरूप प्रभाकर, घासीराम निर्मल प्रथम थे इसमें। ठीक है, पॉप संगीत की बात करें तो इसकी वादक हैं उषा उत्थप। फिर आपके फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एंड सिम्फनी, इसमें जोबिन मेहता हैं। इसे टेम्पेट या बिना तार का वाद्यंत्र है। क्या है? बिना तार का वाद्यंत्र। अब चलते हैं हम लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों की परंपरागत लोकगीतों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी हम वही बात कहेंगे कि आपको अपने राज्य के सभी लोगों को याद रखना है, सभी जो लोकगीत हैं उन्हें याद रखना है, लेकिन अन्य राज्यों के जो चर्चा में रहते हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के बारे में याद रखना है, क्योंकि हर को रट पाना या याद रख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहता है। तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करने की भी स्थिति में होंगे, थोड़ा बहुत याद रहेगा। अब आपने बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि 2000 में छत्तीसगढ़ आपका अलग होता है मध्य प्रदेश से। सन 2000 के पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य थे। तो यहाँ की बात करें तो रेलो, लेजा, चैत, पाट, धनकुल, दर्रिया, हरदौल, चौकड़िया, फाग, झूमर, लावनी, पावाड़ा माच, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। महाराष्ट्र, पोवाड़ा, लावनी, गोधल, गीत। गुजरात, गरबा, रास। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चैती, आला। राजस्थान, राजस्थान में मांड, रसिया, मांग नियारो। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भटियाली, बाउन। बिहार तथा झारखंड की बात करें तो चैता, बरहनी, नचारी, फाग, जट जटिन, लगनी, पूर्वी। मणिपुर की संकीर्तन, खोंगजोम, पारवा। जम्मू कश्मीर में चाकरी, भाखा, गीत। केरल, पादयानी, पंचवाद्यम, थायाम, पाका। कर्नाटक में यक्षगान, कर्नाटक में क्या है? यक्षगान। फिर आपके प्रमुख लोक एवं संगीतकार, लोक संगीत पहले बात करते हैं, असम, भूपेन हजारिका, प्रतिमा बरुआ, इन्हें आपका अभी भारत रत्न भी मिला हुआ है प्रणब मुखर्जी के साथ आपका। ठीक है, पंजाब, लालचंद, यामला जट्ट। हरियाणा के चरणदास चन्नी, लोक संगीतकार। राजस्थान की श्रीमती श्री मली अल्लाह जिलाई बाई। गुजरात के हैं कांजीभूता बरोद। जम्मू कश्मीर के अली मोहम्मद शेख। फिर आपके चर्चित नाट्य या रंगमंच कलाकार,
नाट्य लेखन उड़िया के गोपाल छोत्रे, लोकमंच राजस्थान के पुखराज, नाट्य निर्देशन तरुण राय, नाट्य निर्देशन रतन थियम, नाट्य लेखन मराठी इसके हैं वीवी सिरवाणकर, नट कीर्तन मणिपुरी श्रीमती बाई गंबिनी देवी, कठपुतली नृत्य सुरेश दत्त, नाट अभिनय सुलभा देशपांडे, नाट परिकल्पना डी जी गौड़से, नाट लेखन हिंदी डॉक्टर धर्मवीर भारती, अभिनय नाट गुजराती श्रीमती सरिता जोशी, नाट संगीत बांग्ला यह है आपके राम मराठे, नाट लेखक बांग्ला बादल सरकार। अब बात करते हैं हम लोग आपके भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदुओं में बौद्ध पूर्णिमा, दुर्गा पूजा, गणोत्सव, गुड़ी पर्व, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का 14 दिन होता है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बिहू आपका असम में मनाया जाता है। ओडम आपका केरल में, कहाँ? केरल में। पोंगल आपका तमिलनाडु, लोहड़ी आपका पंजाब, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बनता रहता है। नासिक में, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयाग इलाहाबाद जिसे आप लोग प्रयागराज बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, नासिक उज्जैन प्रयाग हरिद्वार चार जगह लगता है। माघ मेला गबरी राजस्थान, बिठुआ त्यौहार महाराष्ट्र, पुरी का रथ त्यौहार उड़ीसा, पुष्कर मेला राजस्थान, जो ऊँट का व्यापार मेला होता है ये वही मेला है जो चर्चा में रहता है। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में, कंस मेला आपका उत्तर प्रदेश में, पूरम त्यौहार केरल में, कार्तिकेय त्यौहार आंध्र प्रदेश, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, दशहरा, विजयादशमी, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष का 14 दिन, दीपावली, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, ये पूरे लगभग भारत में मनाए जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे कॉमन त्यौहार हैं जो कई धर्मों में भी मनाए जाते हैं और पूरे भारत में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती जैन धर्म में मनाई जाती, बौद्ध जयंती बौद्ध धर्म में, गुरु नानक जयंती है सिख धर्म में, नाग पंचमी, अक्षर तृतीया, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, कारवा चौथ पंजाब व उत्तर प्रदेश में, शीतलाष्टमी छठ ये आपका बिहार का बहुत बड़ा पर्व है याद रखिए छठ। फिर आपकी बैसाखी पंजाब में, वाल्मीकि जयंती, रामकृष्ण उत्सव, महालय, श्राद्ध पर्व होता है। अब आपकी बात करते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए थोड़ा पानी पी लें। आप भी पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पिया करिएगा क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुबह से एक बोतल पानी पी लिया, एक आध लीटर बहुत फ़ायदा कर भी करता है आपका। फिर बात करते हैं भारत में मुस्लिमों के प्रमुख त्यौहार, इसमें आपका ईद है, ईद-उल-फित्र, ईद-उल-जुहा बकरीद कहते हैं, रमजान, मुहर्रम, सवे वरात, मिलाद शरीफ, ये आपके भारत में मुस्लिमों के प्रमुख त्यौहार हो गए। भारत में ईसाइयों के प्रमुख त्यौहारों की बात करें तो क्रिसमस, ईस्टर डे, गुरु फ्राइडे आदि हैं। भारत के धर्म निरपेक्ष दिवस पर्व यानी कि सब लोग जिसे मनाते हैं, नव वर्ष हो गया, बाल दिवस हो गया 14 नवंबर को, शक संवत, गुड़ी पर्व, विक्रम संवत, कश्मीर सप्तर्षि वर्ष, कोल्लम संवत, उगाड़ी वरम आंध्र प्रदेश आदि में। भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं इन्हें याद रखना, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को,
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। इन्हें हम लोग देख भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए कुंभ मेला, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट पूछता रहता है। नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज जिसे आप लोग बोलते हैं, हरिद्वार उत्तराखंड। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ तथा प्रत्येक तीसरे वर्ष सॉरी अर्धकुंभ यानी कि प्रत्येक छठवें वर्ष होगा ना अर्धकुंभ आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर आपका प्रथम स्थापत, एक मिनट रुकिए आप, मैं क्लियर कर लूं। सही बोला था मैंने, प्रत्येक 12 वर्ष में आपका महाकुंभ लगता है यानी कि जिसे आप लोग पूर्ण कुंभ कहते हैं, और प्रत्येक 6 वर्ष में आपका अर्धकुंभ होता है। ठीक है, याद रखिए, मेरा मतलब इतना सा है यार कि आप लोगों को गलत ना बताया जाए, क्योंकि आपका अगर क्वेश्चंस गलत होगा तो उसका जिम्मेदार मैं होगा, मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की कीमत बहुत कुछ होती है कभी कभी, तो आपका कोई क्वेश्चंस गलत ना होना पाए। अगर मैं गलत बता भी देता हूँ कहीं तो आप उसे सुधार कर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा, क्योंकि जिससे अगर कोई और हम लोगों से जुड़ता है तो हमारे वहाँ वो भी परिवार का मेम्बर ही है तो उसे सही मालूम चल सके। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख स्थापत कला शैलियाँ एवं उनके निर्माण काल एक दृष्टि में देखते हैं। ये आपके स्तंभ हो गए। अब इसमें आपका ये स्तंभ है और ये शासन काल जिसके शासन में बनाए गए हैं, तो जैसे आपका लोरिया नंदगढ़ स्तंभ है यह आपका अशोककालीन है। ठीक है, दिल्ली का टोपरा स्तंभ यह आपका अशोककालीन है, फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में मेरठ स्तंभ अशोककालीन ही है। इलाहाबाद का स्तंभ ये भी आपका अशोककालीन ही है। लोरिया अरेराज स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में है, जहाँ से आपने देखा होगा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था गांधी के द्वारा 1917 में, ये वही चंपारण है अशोककालीन। सारनाथ संयुक्त शीर्ष ये भी आपका अशोककालीन ही है। फिर आपके स्तूप, इनकी बात करें तो पेपर हवा कपिल वस्तु में है, ये आपका प्राग मौर्य कालीन स्तंभ स्तूप है। सांची स्तूप ये भोपाल के निकट विदिशा में है, ये भी आपका मौर्य कालीन स्तूप है। भरूत स्तूप ये आपका सतना मध्य प्रदेश में है, सुंगकालीन स्तूप है। बोधगया के स्तूप बिहार में है, उत्तर मौर्योगीन कालीन ये स्तूप है। अमरावती का स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ये ईसा पूर्व द्वितीय में का ये स्तूप है। फिर आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप गुंटूर अमरावती से 95 किलोमीटर दूर स्थित है, एक चाकुवंशीय शासकों के समय का स्तूप है। खोस्ता स्तूप जलालाबाद अफगानिस्तान में है, ईसा पूर्व 50 कनिष्क कालीन है। मणिकथाला स्तूप ये आपका कनिष्क कालीन है। भल्लड़ स्तूप तक्षशिला में है, गुप्तकालीन है। मीरपुर स्तूप सिंध में है, गुप्तकालीन है। सारनाथ का धमिक स्तूप वाराणसी में है, यह आपका अशोककालीन है। नालंदा स्तूप आपका प्राग गुप्तकालीन स्तूप है। जग्यम पिट स्तूप आंध्र प्रदेश के पल्लेरु नदी तट पर है, एक चाकू या फिर पल्लव वंश कालीन ये स्तूप है आपका। गुफाओं की बात करें तो इसमें शामिल है आपकी सुदामा गुफा प्राचीनतम गुफाएं, ये आपकी अशोककालीन है। नागार्जुन गुफाएं गया बिहार में स्थित हैं, अशोक और उसके पौत्र दशरथ कालीन है। ठीक है, इनके समय में बनाई गई है। लोमस ऋषि की गुफा ये आपकी मौर्यकालीन है। खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सुंगकालीन खारवेल्स शासकों के समय की है। हाथी गुफा मंचागिरी गुफा ये आपकी सुंगकालीन खारवेल के समय की है। भाजा विहार भोरघाट महाराष्ट्र में,
याकी सातवाहन वंशीय गुफाएं हैं। उदयगिरी याकी विदिशा मध्य प्रदेश में है। याकी गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कार्ले ये भोरघाट महाराष्ट्र में है। सातवाहन वंशीय गुफाएं कनेरी मुंबई याकी सातवाहन वंशीय गुफाएं। अजंता महाराष्ट्र याकी बौद्धकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, फिर आपकी एलोरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपकी बुद्धकालीन ही गुफा है। एलिफेंटा मुंबई ये भी आपकी महाराष्ट्र में ही है, बौद्धकालीन गुफा है। अब हम बात करते हैं प्रमुख लिपियों के बारे में, कौन कौन सी लिपियां हैं उन्हें देख लेते हैं। लेखन कला का आविष्कार फिनीसिया वासियों ने किया था, फिनीसिया वासियों ने। ग्रंथ लिपि का प्रयोग पल्लव और चोल शासकों द्वारा किया गया था। याद रखिए, ग्रंथ लिपि का प्रयोग पल्लव और चोल शासकों के द्वारा किया गया था। मौनी लिपि का प्रयोग मराठा शासकों के द्वारा किया गया था। शारदा लिपि आपकी कश्मीर में प्रयुक्त की जाती थी। शारदा लिपि कहाँ प्रयुक्त की जाती थी? कश्मीर में। हिंदी मराठी और नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जो हिंदी है, मराठी है, नेपाली को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। पंजाबी को आपका गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और जो आपकी ब्रह्मी लिपि है, ये आपकी बाएं से दाहिने ओर लिखी जाती है। और जो आपकी खरोष्ठी लिपि है, ये आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखना, ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्रह्मी लिपि के आविष्कारक ब्रह्म ऋषि थे। लेटिन लिपि का विकास यूनानी लिपि से हुआ था। मिस्र की लिपि हेरोग्लिफिक लिपि कहलाती है। अशोक के शिलालेख ब्रह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। इसके शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स फ्रेंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये भी आपका कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चंस को हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं। अशोक के जो शिलालेख थे, इसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स फ्रेंसेप ने। कब? 1837 में। सुमेरिया की लिपि किलाक्षरी लिपि थी। सिंधु भाषियों की लिपि चित्रात्मक थी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन गोवा में ईसाई पादरियों द्वारा 1556 में लाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय प्रदेश और उनकी आदम जातियां। तो हर राज्य की आपकी जनजातियां देखेंगे, ठीक है, और आपको अपने राज्य की तो याद ही रखना है। असम, यह आपकी बोरो या बोडो जनजाति पाई जाती है। होजाई, कछारी, मैच, चकमा, हाजोंग, मिरी, मिकीर, दिमसा, अबोर, लोसाई, जयंतिया, गारो, खासी, ये सभी आपकी जातियां असम में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपातानी, डाफला, खंपत्ती, अक्का, सिंगपो, बारमास, मोबा, मिनियो, मीजी। अगर मे लगा ले कि हम लोग बात करें तो हमार, गारो, खासी, मिकीर, ये आपकी मेघालय की है। अगर हम लोग नागालैंड की बात करें तो सेटिंग, नागा, नबुई, नागा। मणिपुर की अगर बात करें तो कुकी, मिट्टी, मिट्टी, ये आपकी मणिपुर की है। मिजोरम में आपकी लाखेर, पाकी, मात, मेजो। पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपकी हो, कोरा, मुंडा, खड़िया, उराव, संथाल, भूटिया, चकमा, गारी, लेपचा, माग, महाली, मेच, असुर, बेगा, लोधा, बट्ठूडी, बिरहोर, चिकवारिक, गोंड, गोंडित, कोरवा, माहली, सबर, बंजारा। बिहार की बात करें तो असुर, बैगा, बंजारा, बठूडी, बेडिया, बिरहोर, ब्रजिया,
गोंड, हो, करमाली, खड़िया, खाखान, खोंड, किसान, गोरा, कोरवा, मलबहाड़िया, संथाल, सवल, भूमिज, लोहरा, मुंडा, भुइया, सौरिया। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इतनी जनजातियों को याद करना आप किसी की, आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई सब जगह की जनजातियों को और सभी जनजातियों को याद रख ले। आपको सिर्फ वही याद रखना है कि जो चर्चा में रहते हैं। अगर न्यूज़पेपर में आपका कोई आया है कि ये जनजातियाँ चर्चा में, तो आप उन्हें याद रखा कर लिएगा। इसीलिए तो बोलता हूँ करेंट अफेयर से जुड़ा रहिए। और दूसरी, अपने राज्य की सभी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि अपने राज्य में कि जो भी जातियाँ होती हैं उन्हें ज़रूर पूछता है एग्जाम में। फिर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपकी थारू, भौक्सा, भोटिया, जौनसारी, कोल, राजी, भुइया, खास, नीति, खटवाड़, झांझी, बिड़कोल है। उड़ीसा की अगर बात करें तो बगाटा, बेगा, कुआ, बंजारा, भोटाड़ा, भुइया, भुइयान, भूमिज, कोल, कोला, कोल, कोड़ा डोरा, कोरा, कोरुआ, भुजिया, रंजिया, बिंजवा, बिरहो, बोतो, पुराजा, चेंचू, डाल, गड़ावा, होलवा, खरवाल, खोंड, बत्थरुआ, सवर, संथल, राजौर, परोजा, परेंगा, मिर्धा, मानकीदी, महाली। फिर आपका मध्य प्रदेश, आप ही सोचिए इतना कौन याद रख पाएगा, कोई नहीं। मध्य प्रदेश, गोंड, कोरकू, भील, मुंडा, निहाल, ओराव, पिधान, अंध, बेगा, भेना, मोमिया, बिंजवार, बिरहोर, बिरहुल, गंडावान, हलवा, कमार, कावर, खैरवार, खंडिया, खोंद, कोर, कोरवा, झजवार, मीडा, गरासिया, भीलमीना, कीर, करकू, सौर, पाओ, पतिका, नट, माजी, मवासी, बियार, सवर, परदी, पराजा, सवला, अगारिया, कोलम, असुर, भूमिया, बेगा, बिसनहाल, भारिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की हैं। फिर आपका हिमाचल प्रदेश, इसमें आपकी गुज्जर हो गया, गद्दी, जद, लंबा, खप्पा, भोट, किन्नर, लाहुला, पंगवाला। पंजाब की बात करें तो गद्दी, स्वांगला, भोट, बोध। राजस्थान की बात करें भीलमीना, भील, दमारो, गरासिया, मीना, सेठरिया, बरदा, वाक्चा, बमचा, चौधारा, डांका, डोटिया, गम्मिट, गोंडा, राजगौड़, कोरकू, बिटोलिया, पटेलिया, पोमला, रथावा, वर्ली, परदी, नायका, कोली, कोकनी, बंजारा, रावत। तमिलनाडु, यहाँ की बात करें तो कादार, अरनादम, कंपारा, कड्डी नायकम, कोटा, कुरुमान, कुरुचाचन, मालसर, मलाईकिंडी, मुडुगार, पालियान, ये आपकी सभी तमिलनाडु की। ठीक है, फिर आपका केरल, सॉरी तमिलनाडु की कुछ और रह गई, इसमें आपका कोलियान हो गया, सोलगा, उराली, मुथुरान, पलियार, मलक, मलाक, कुरवन, कुरुम्मा, मलयाली, टोडा, किस तरह नाम भी हैं इनकी। फिर आता है आपका केरल, यहाँ एक इरावलन, कन्नीकर, कंबारा, कोरागा, कोटा, कुड़िया, मल्ला, मलवासार, पुलायान, कुरुम्मा, मारती, विस्वान कादर, मोपला, पलियार, उराली, मलया रायर, उल्लादान, मन्नन, मलाई पंदरम, मालापत्रम, मुथुवान और गंडाव। फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका डंका हो गया, डोडिया हो गया, दुबला हो गया, गम्मिट, गोंड, कटकरी, कोकली, कुलीडोर, नायका, परदी, पोमला, रथावा, भील, बिंजवार, बिरहुल, धनवार, कमार, कुवार, कंद, कोरकू, नगेसिया, परली, बिठोलिया, ठाकुर, ठाकर, भत्रा, भोंचिया,
वानर, चारण, सिद्धि, कुआ, कोया, सवोता, उराव, निहाल, बंजारा, कोली। फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसमें शामिल है आपकी चिंचू, पोर्जा, सुगाली, एनादी, एरुकुला, अंध, भील, गोंड, प्रधान, धोती, गोंडू, नायक, वाल्मीकि, माली, कुलिया, गोड़धोर, कंबारा, जटापू, बगाता, कोया, कोंडाकाकू, कटियाबिंचू, मन्नाधोरा, कुलिया। फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सी है? हक्की पिक्की, इकलिगा, हसादास, गोडालू, जैनकुरवा, मलाईकुड़ी, मलेरू, सोलीगारू, बरडा, बमचा, भील, चौधारा, डांका, डोडिया, दुबला गामटा, कठोड़ी, कोकना, कोलिडोर, नेगदा, पर्दी, रथावा, वर्ली, कोया, कुरुबा मेडा, यरावा, पुरामा, मरान, तोड़ा, कनियान, मलाईकड़ी, कुरी, चाचन, कंबारा, अरनाडन, थोटी। फिर आपका गुजरात, कौन सा अंश है गुजरात में? झील हो गया, बंजारा हो गया, कोली। सिक्किम में लेपचा हो गया आपका, जम्मू कश्मीर में भकरवाल हो गया, त्रिपुरा में आपका रियांग और त्रिपुरी हो गया अथवा त्रिपुरी। ठीक है, फिर आप बात करते हैं हम लोग रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म के बारे में। आकाशवाणी यानी कि एयर ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से काम करना 1927 में शुरू किया था। कब? 1927 में, जिसे आप लोग आकाशवाणी कहते हैं। ये अपने मूल नाम यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 में बनी थी। भारत में रेडियो प्रसार का इतिहास 1927 में बंबई और कलकत्ता में दो गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से शुरू हुआ था। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा नाम रखा गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। तो 1927 में इसकी स्थापना होती है। 1930 में भारत अपने कब्जे में ले ली थी भारत सरकार और भारतीय प्रसारण सेवा इसका नाम रख दिया जाता है। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में यही नाम है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र प्रयोगात्मक रूप से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। 1976 में टेलीविजन को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम से एक स्वतंत्र संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, 1976 में दूरदर्शन की पहली नियंत्रित सेवा अगस्त 1965 में दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। 15 अगस्त 1982 से इनसेट 1A से राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हो रहा है। ठीक है, इनसेट 1A से। सत्रह सितंबर 1984 से दिल्ली दूरदर्शन का दूसरा चैनल भी शुरू हो गया। 14 से 23 सितंबर 1984 के बीच भारतीय दूरदर्शन ने रजत जयंती वर्ष मनाया। दूरदर्शन का उद्देश्य होता है क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि इसका ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। वर्तमान में इनसेट 1D से दूरदर्शन का प्रसारण किया जा रहा है। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा आपकी जनवरी 1986 से प्रारंभ की गई थी। भारत में ब्लैक एंड ब्राइट टीवी सेट का निर्माण 1969 से देश के भीतर में किया जाने लगा। 1913 में राजा हरिश्चंद नामक मूक फिल्म बनाई गई थी। 1931 में आलम आरा फिल्म के निर्माण के साथ मूक फिल्मों का युग समाप्त होता है और बोलती फिल्मों का युग प्रारंभ हुआ। यह प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। इसके निर्माता थे अंदरेसिर ईरानी। तो याद रखिए, पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद, लेकिन ये मूक फिल्म थी, 1913 में बनाई गई थी। लेकिन बोलती हुई फिल्म कौन सी थी पहली? आलम आरा, ये 1931 में बनाई गई थी और इसके जो निर्माता थे उनका नाम है अंदरेसिर ईरानी।
भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र मुगल ए आजम है, परंतु सर्वप्रथम यह भी रंगीन नहीं था, बाद में इसे रंगीन बनाया गया। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंगले ने निभाई थी। फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में मुंबई में की गई थी। कहाँ? मुंबई में 1948 में। राष्ट्रीय एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फरवरी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई। भारतीय बाल फिल्म संस्था की स्थापना 1955 में स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अगस्त 1965 में जनसंचार में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। अब है आपके भारत में विश्व धरोहर, भारत में भी विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए भारत में, इनकी हम लोग स्थिति देखेंगे और इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हें भी हम लोग जान लेंगे। तो पहले हम एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, सामान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, जयपुर सिटी राजस्थान, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश, चंपानेर पावागढ़ पुरातन उद्यान ये गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में है, पुराने गोवा के चर्च, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, चोल मंदिर तमिलनाडु, हम्पी के स्मारक कर्नाटक तमिलनाडु, पत्तदकल के स्मारक कर्नाटक में। बने रही है इसमें, हम लोग मैं भी इसकी स्थिति देखेंगे और इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे कि कौन कहाँ है कैसा है और इनके बारे में मुख्य तथ्य क्या है उन्हें भी देखेंगे, कब इन्हें इसका दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, खजुराहो के स्मारक और मंदिर मध्य प्रदेश में, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, मानस राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है, भारतीय पर्वतीय रेल नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी उत्तराखंड, कुतुब मीनार दिल्ली, भीमबेटका के पिस्तरखंड मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा में, सुंदरबन राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम बंगाल, ताजमहल 1984 में ये आगरा उत्तर प्रदेश में। अब मैप्स में इनकी स्थिति देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए कालका शिमला रेलवे ये आपका कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फिर राजस्थान में केवला देव जंतर मंतर राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी ध्रुव, ठीक है, ये आपके हो गए राजस्थान में। गुजरात में आपका चंपानेर, ये आपका गुजरात में हो गया, और फिर आपका ये मध्य प्रदेश सांची भीमबेटका खजुराहो ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाबोधि मंदिर ये है आपका कहाँ? ये है बिहार में, याद रखिए कहाँ है? बिहार में। फिर है आपका असम में क्या है? ये है पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। ये आपका मानस राष्ट्रीय अभयारण्य है और ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र चलते हैं, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है,
ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता, एलोरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एलिफेंटा, ये आपकी महाराष्ट्र में हुई। पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, सह्याद्री, और ये आपका गोवा हो गया। पट्टाकल, ये आपका और नीचे से आए हम लोग ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, हम्पी, फिर है आपका तमिलनाडु, ये आपका है तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट है यहाँ, ठीक है, कर्नाटक पश्चिमी घाट, केरल भी, तमिलनाडु में आप पर्वतीय रेल, नीलगिरी, चोल मंदिर और महाबलीपुरम, उड़ीसा में है आपका कोणार्क मंदिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए ये आपकी क्रम बाई क्रम हम लोग देखते हैं। अजंता की गुफाएं, ये हैं आपकी अजंता की गुफाएं, देख लीजिए पिक्चर्स को, कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इन्हें कब जोड़ा गया, विश्व विरासत स्थलों में कब जोड़ा गया, 1983 में, ठीक है, 1983 याद रखना, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। आगरा का किला, ये है आपका आगरा का किला, इसे कब जोड़ा गया, 1983 में, कब, 1983 में, ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आपका ताजमहल, ये आपका ताजमहल देख लीजिए, इसे कब जोड़ा गया, इसे भी 1983 में ही जोड़ा गया, कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में। फिर आपकी एलोरा गुफाएं, ये है आपकी एलोरा गुफाएं, इन्हें कब जोड़ा गया, 1983 में ही महाराष्ट्र में ही, कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका सूर्य मंदिर देख लीजिए, उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में, कब जोड़ा गया, इन्हें 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक समूह 1984 में ने शामिल किया गया, ये है आपके तमिलनाडु में देख लीजिए ने। ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। इन्हें कब जोड़ा गया, 1985 में, 1985 में। ये है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कब जोड़ा गया, 1985 में, कहाँ है, असम में। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, असम में, कब जोड़ा गया, इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल कब किया गया, 1985 में देख लीजिए। प्रेंगला है आपका गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, ये है आपका, इसे आपका ये गोवा में है, इसे कब जोड़ा गया, 1986 में, कब, 1986 में।
हम्पी, ये आपका कर्नाटक में है, इसे भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया। ये है आपका हम्पी। फतेहपुर सिकरी, ये आपका फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया था। खजुराहो के मंदिर में, खजुराहो स्मारक समूह, चंदेल राजाओं ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में, ठीक है। इन्हें भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, इसे आपका 1987 में शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थलों में। एलिफेंटा की गुफाएं, ये आपकी महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, 1987 में से शामिल किया गया। पत्तकल, ये आपका कर्नाटक में है, इसे भी 1987 में ही शामिल किया गया। अगला है आपका महान चोल मंदिर, ये है आपका महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, इसे आपका 1987 में जोड़ा गया। 1987 में आपका पद्दतकल कर्नाटक को भी जोड़ा गया, महान चोल मंदिर को भी आपका जोड़ा गया। फिर आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये आपकी, ये उत्तराखंड में है, इसे आपका 1988, फिर उसके बाद 2005, ठीक है। फिर आपका सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसे आपका 1989 में जोड़ा गया। फिर आपका हुमायूं का मकबरा, ये आपका दिल्ली में है, इसे आपका 1993 में जोड़ा गया। ये आपकी कुतुब मीनार देख लीजिए, इसे, ये भी दिल्ली में है आपकी, इसे भी आपका 1993 में ही जोड़ा गया। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, ये है आपकी, इसे आपका 1999 में जोड़ा गया, कब, 1999 में। ये आपका बोधगया का महाबोधि विहार है, इस ये बिहार में है आपका, 2002 में जोड़ा गया इसे। भीमबेटका शैलाश, ये आपकी मध्य प्रदेश में है, 2003 में से शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ये आपका गुजरात में है, इसे आपका 2004 में शामिल किया गया। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 में से शामिल किया गया, ये महाराष्ट्र में है आपका। दिल्ली का लाल किला, ये है आपका दिल्ली का लाल किला, इसे आपका 2007 में शामिल किया गया और ये आपका दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर, इसे 2010 में शामिल किया गया आपका, राजस्थान में है, ठीक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट, इसे आपका 2012 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ये आपका राजस्थान में है, इसे आपका 2013 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित
विभिन्न स्थलों की श्रृंखला है। वे एक राजपूती सैन्य पहाड़ी स्थापत्य कला का नमूना पेश करते हैं, जिनकी पहचान उनके पहाड़ी शिखरों पर स्थित होने की, वहाँ के भौगोलिक स्थिति का रक्षात्मक उपयोग करने से होती है। राजस्थान के ये दुर्ग व्यापक श्रृंखला के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्थित मजबूत राजपूत सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दुर्गों से राजपूत रक्षात्मक वास्तुकला के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है, तथा ये राजपूत सैन्य वास्तुकला के उदाहरण हैं। राजपूत दुर्ग अपने बेमिसाल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर उनकी सीमा में कई बड़े क्षेत्र, यहाँ तक कि कई गांव भी सुरक्षा दीवारों के भीतर आ जाते थे। इन दुर्गों में चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरौन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग आते थे। इन किलों के परिसर में महल, हिंदू और जैन मंदिर, शहरी केंद्र और व्यापारिक केंद्र शामिल थे। आपका अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसे आपका 2014 में शामिल किया गया था। कब? 2014 में। रानी की बाव, ये आपकी रानी की बाव, इसे भी आपका 2014 में ही शामिल किया गया। ये गुजरात में है। नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपका बिहार में है। इसे आपका 2016 में शामिल किया गया। बिहार में नालंदा पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र और 13वीं सदी के लिए 3 शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ है। पर आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका, ये सिक्किम में है। इसे भी आपका 2016 में ही शामिल किया गया। भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ली कुर्बुज़िए की वास्तुकला, वास्तुशिल्प, ये आपके चंडीगढ़ में है। इसे 2016 में शामिल किया गया था। कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की राजधानी परिसर सहित कई देशों में, देशों भर ली कुर्बुज़िए के वास्तुशिल्प काम आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। फिर अगला है आपका अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये गुजरात में है आपका अहमदाबाद। इसे आपका 2017 में शामिल किया गया। गुजरात की 606 साल पुरानी सिटी अहमदाबाद अब विश्व धरोहर सिटी के नाम से जानी जाएगी। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ये आपका मुंबई में है। इसे आपका 2018 में शामिल किया गया। भारत के मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एंसेंबल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया। यह नेडे बहरीन के मनामा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया था। फिर आपका गुलाबी शहर जयपुर, इसे आपका 2019 में शामिल किया गया। यूनेस्को ने शनिवार दोपहर ट्वीट किया था, 30 जून तक चली थी। भारत के राजस्थान में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया। बाकू अजरबैजान में 30 जून से 10 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी के 43वें सत्र के बाद इसकी घोषणा की गई थी। तो अगर पूछे कि ये 43वीं मीटिंग कहाँ हुई थी, सत्य तो इसका हुआ था अजरबैजान में, बाकू के अजरबैजान। ये आपका गुलाबी शहर। तो ये थे आपके प्रमुख विश्व धरोहर स्थल। इसी के साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में।